हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मेरे बर्थडे ब्लॉग का पार्ट टू है, जो मैं कल कंटिन्यू नहीं की थी और आज कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हम लोग आ गए हैं जेनुकल सिद्धेश्वरा टेम्पल, आरसीकेरे तालुक है, जो कि हासन में है यहाँ पे। और ये है गोपुरम, जो स्टार्टिंग में बिल्कुल जो हील से उसके नीचे ये बना हुआ है, जहाँ से हम लोग का एंट्रेंस होता है इस टेम्पल के लिए। ये पहले नहीं बना हुआ था और ये बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो अभी ये बन चुका है और इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में। एंड ऑल्सो बहुत सारे पिजन्स जो है वो भी अपना घर बना चुके हैं। मतलब वो तो ऐसा जगह पे अपना घर बना ही लेते हैं, जहाँ जहाँ उनको थोड़ा बैठने का जगह मिल जाए। तो थोड़े दिन बाद इसको फिर से क्लीन तो करना ही पड़ता होगा उन लोगों को। बट ये आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत लगता है, टेम्पल आर्किटेक्चर ऐसे भी बहुत खूबसूरत लगता है। और नीचे ये बिल्कुल स्टोन में बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को 360 डिग्री टर्न होके दिखाती हूँ कि इसके आसपास में क्या है। तो ये देखिए, ये बड़ा सा रोड है पूरा यहाँ पे एंट्रेंस के लिए। जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है पूर्णिमा में, तो ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भीड़ रहता होगा यहाँ पे। बट अभी बिल्कुल खाली है, लोग बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर ये स्टेप्स के थ्रू और देखते हैं क्या है ऊपर। और ये गोपुरम जो है उसके अंदर कुछ ऐसा बना हुआ है, और इसके अंदर भी सीलिंग में पूरा कार्विंग किया हुआ है बहुत सुंदर से। पिलर्स पे भी बहुत अच्छे से किया हुआ है और ग्रेनाइट लगा हुआ है, जो स्टोन का पिलर होगा अंदर और उसके ऊपर से वो ग्रेनाइट लगाए हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग ऐसे एंट्रेंस कर रहे हैं। और वो जो आपको दिख रहा है सामने, वो स्टेप्स का स्टार्टिंग है। और यहाँ पे देखिए, शिव जी का लेग है और नंदी जी हैं। सो यहाँ से स्टेप से स्टार्ट होता है और शेड लगा दिया। देखिए, जो मैं देखी थी वो करेक्ट है, अच्छे से बन गया है पूरा। पूजा करने के लिए सामान भी ले लिए। और यहाँ स्टेप्स पे आप देख रहे हैं हल्दी कुमकुम लगा हुआ है। तो ये जो लोग दर्शन करने आते हैं उनकी श्रद्धा होती है, वो कुछ मांगे होते हैं, तो इस तरह से वो लगाते हुए ऊपर तक जाते हैं। अभी भी इनका फोन चल रहा है। और ये मुझे बहुत खूबसूरत सा सिटिंग अरेंजमेंट दिखा है, जो कि स्टोन को कट करके बनाए हैं। तो दोनों साइड से आप देख रहे होंगे बिल्कुल ग्रीनरी दिख रहा है। सुस्त हो गया इतना के लिए? अभी ओनली 25% हम ऊपर आए हैं बस। कितना है? अनदर 75% है। ओके, चलो धीरे धीरे चलती हूँ। आज आज वॉक के लिए नहीं गए ना, तो अच्छे से हो रहे हैं। चलिए। इसीलिए हम इधर आए। ताकि मेरा 2 केजी कम हो सके।
सो यहाँ हम लोग लगभग हाफ तक आ गए हैं, हाफ स्टेयर्स तक, और यहाँ से देखिए कैसा दिख रहा है नीचे, बिल्कुल बहुत ही पूरा ग्रीन ग्रीन, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और मौसम भी अभी बहुत अच्छा हो गया है, जो रास्ते में इतना धूप था ना, अभी बिल्कुल धूप नहीं आ रहा है। तो बस अब थोड़ा ही स्टेप्स और बाकी है, हो जाएगा। और इनको देखिए ये कितना नीचे है, तभी से मुझे बोल रहे थे कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, मैं मोटी हो गई हूँ। और खुद देखिए फोन पे इतना बिजी है कि कुछ नहीं कह सकते इनका। मैं आपसे आगे हूँ, ओके। तो अभी हम लोग फाइनल ऊपर आ गए हैं, बस इतना ही स्टेप्स है ऊपर जाने के लिए, और वो टेम्पल भी आपको दिख रहा होगा। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी पहुंचते हैं वहां पे। एक्चुअली पंडित जी थोड़ा पूजा का जो एरिया है वहां पे क्लीन कर रहे हैं, तो वो बोले हैं थोड़ी देर बैठने के लिए। तो मैं सोची तब तक आप लोगों को ऊपर से नीचे का नज़ारा कैसा दिख रहा है वो दिखा दूं। और ये बहुत दूर में एक और पहाड़ है जो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो पूरा देख रहे हैं आप लोग, ये कोकोनट ट्री है, ये यहाँ का जो विलेज है वो है। और वो कितना क्लीन है, रोड्स भी बहुत क्लीन है। और ये है मेन टेम्पल जो कि पूरा मार्बल से बना हुआ है। और ये ऊपर में स्टोन के ऊपर ये लोग एक फ्लैग लगाए हुए हैं भगवान जी का। और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स किया हुआ है। और मोमेंट को आप लोग देख ही रहे हैं कि इनका फोन तो बिल्कुल बंद नहीं होता है, वो एक जगह बैठ गए हैं, लगे रहो फोन पे। तो यहाँ मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाती हूँ टेम्पल का कार्विंग एंड ऑल। तो ये देखिए ऊपर शिवलिंग बना हुआ है, नंदी जी हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पे शिव जी का दोनों लेग का प्रिंट है, उनका ही पूजा होता है, जो कि स्टोन पे ही उनका पैर का ऐसा प्रिंट आया हुआ है। तो बहुत मान्यता है यहाँ पे, बहुत मन्नत लोगों का पूरा भी होता है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है। तो लोग पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो मैं एक बार पंडित जी से भी बात करूँगी, बताएंगे वो यहाँ के बारे में। और यहाँ जो है यहाँ पे पूरा भोग लगता है, वो खाना बनता है। और यही जो स्टेप्स है जिसके थ्रू हम लोग नीचे से ऊपर आए थे। यहाँ पे दीपा ये एक हमेशा जलता रहता है, और ये हवा से बिल्कुल नहीं मुझता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके चारों साइड से बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो ये हमेशा जलता रहता है। अखंड दीप जिसको बोलते हैं, ये वो दीप है। और यहाँ पे लोग अगरबत्ती भी जलाते हैं, तो उसके लिए भी एक अलग से स्पेस बना हुआ है, वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ अगरबत्ती भी ऑफर करते हैं भगवान जी को, तो वो यहाँ सभी जलाते हैं। तो अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे सिर्फ दर्शन करके जा सकते हैं, बट ये पहाड़ पे थोड़ा दूसरे साइड जाएंगे ना, तो बहुत सारा स्टोन्स है जिसके मिडिल से आप इंटर करके थोड़ा देर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो वहाँ हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इवनिंग हो गया है और उस साइड वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं शाम में जाने के लिए। ईश्वर ऋषि मुनि तपस् ಮಾಡಿ ಪಾದ ಇಟ್ಟರಂತ ಜಾಗ ಇದು. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆ ಪಾದ. ಹಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹಾ. ಇದು ಆ ಕಡೆ ಇರೋ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿ. ಅದು ಬಲಗಡೆ ಪಾದ. ನಿಮಿಷ. ಈ ಪಾದದ ಮೈಮಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕರೋನಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಜನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೋನಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ 1 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ.
तो यहाँ आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि पंडित जी कैसे इसको रोज क्लीन करते हैं सुबह शाम, और उसको डेकोरेट करते हैं। एंड उनको उसको जो क्लीन कर रहे थे उसका जो वाटर था वो हम लोगों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसा स्प्रेड किए हैं एज अ आशीर्वाद। बोलिए। तो पूजा बस पंडित जी शुरू करने वाले हैं, और उन्होंने बोला है कि मोमेंट को ये कोकोनट ब्रेक करके लाने के लिए, तो वही ब्रेक करके ला रहे हैं मोमेंट। तो अभी पूजा शुरू करेंगे। तो ये देखिए, इन्होंने दोनों लेग्स के प्रिंट को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, और अब पूजा भी कर रहे हैं। सो हम लोगों का पूजा हो गया है, और हम लोग सब लोग नीचे यहाँ पे अगरबत्ती जला के पूजा कर रहे हैं। और ये देखिए, प्रसाद भी मिल गया है हम लोग को। ये दो जो लड्डू मिल दिख रहे हैं आप लोग, वो यहाँ पे ही पंडित जी दिए हैं, बाकी कोकोनट और वो सब तो हम लोग ही लेके आए थे। तो यही प्रसाद है। ये प्रसाद जो है वो बेसन का बना हुआ है। तो हम लोग अब बस 5 मिनट थोड़ा देर यहाँ बैठेंगे एंड फिर स्टार्ट करेंगे नीचे उतरने के लिए। फाइनली हम लोग का पूजा हो गया, अच्छे से हो गया, ज़्यादा लोग बिल्कुल नहीं है अभी। और भी क्या है ना, शाम के टाइम में उतने लोग नहीं रहते हैं। तो पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा कर दिए हैं, और आज मेरा बर्थडे था तो मेरे नाम से मोमेंट पूजा करवा दिए। हर बार यही करते हैं बर्थडे में, टेम्पल ले जा कर के मुझे। पूजा बहुत अच्छे से हो गया, और ऊपर इतना शांति था ना, इतना अच्छा लग रहा था। तो अब हम लोग का टाइम कितना हो गया, 5:45 हो गया है। तो हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। पूरा ऐसा ना जंगल टाइप का है एरिया, तो बस चलिए आप लोग भी। हम लोग यहाँ थोड़ा देर और टाइम स्पेंड कर सकते थे अगर थोड़ा जल्दी आते थे, क्योंकि आप लोग को बताई थी मैं, स्टोन के बीच से रास्ता जाता है, और उस साइड में बहुत सुंदर सा है प्लेस बैठने के लिए, जो कि हम लास्ट टाइम आए थे तो बैठे थे। बस अभी हम लोग उधर नहीं जाएंगे, नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो जरूर आप लोग को दिखाऊंगी। उतरने में हम लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, इतना फटाफट उतर गए हैं। बट पैर मैंने ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं, पैर ही नहीं इस तरह से लग रहा है। इसलिए वहाँ पे थोड़ा देर हम लोग बैठेंगे और फिर जाएंगे। तो ये है बैक साइड से, अच्छे से बैठने का पूरा अच्छे से है, मतलब नीचे आके आप थोड़ा देर रिलैक्स करो एंड देन यू गो। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और मैं आप लोगों को मिलती हूँ डायरेक्ट मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में, जो कि घर पे करेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा जाने में। तो हम लोग घर पहुँच गए हैं और डेकोरेट भी कर दिए हैं। जो भी मुझे गिफ्ट मिला था, सभी गिफ्ट को मैं अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर दी हूँ, ताकि बर्थडे में मिला है तो उस जगह पे यूज़ करना बनता है ना। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है हम लोग को, क्योंकि अभी 11 o'clock हो रहा है, और हम लोग फटाफट केक काटते हैं, वरना अगर 12 o'clock हो गया तो फिर गया मेरा बर्थडे। सो मोमेंट बहुत प्यारा सा केक लेके आए हुए हैं, एंड सेलिब्रेट करते हैं फिर। मैं अभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते टाइम मैं अपने ऑफिस के लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, अपने फैमिली को मिस कर रही हूँ, क्योंकि हर टाइम वो लोग रहते हैं मेरे साथ। बट कोई बात नहीं, इस पर मोमेंट है जो कि ऑलरेडी मेरी दुनिया है। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to me! So thanks for watching my vlog. अगर आपको मेरा ये vlog अच्छा लगा है तो please इसे like कीजिए, share कीजिए अपने friends and family के साथ. And अगर आपने subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दीजिए मेरे channel को ताकि मैं अच्छा अच्छा video डालूँ और आप लोग उसे देख के enjoy करें. मिलती हूँ आपसे मेरे next video में. Till then, bye.